बाबा शिव काय झाले बाबा ना तू असं धरून काढलेस बाबा बसा बसा आधी घबराने की बात नहीं है अरे घबराने की बात नहीं है काय म्हणतोस तू बाबांची अवस्था बघ ना काय झाले त्यांना उभे राहता येत नाहीये बाबा काय होतंय तुम्हाला बाबा काय झालं बाबा काय होतंय तुम्हाला काय झालं शिव त्यांना उनका बीपी शूट अप हो गया अब ठीक है डॉक्टर ने आराम करने को कहा काय मी थोडी विश्रांती घे महाबरोट बाबा तुम्ही माझ्या रूम मध्ये जाऊन आराम करा उठा बाबा गौरी जाऊन जा बाबा चला बाबा 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 तुम चालता येते ना बाबा असं कसं शूट झालं बीपी बाबांचं डॉक्टरने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है उन्हें सोने दीजिए टेंशन मत लीजिए आप असं कसं टेंशन नको घेऊ प्लीज शिव खरं सांग मला बाबांना असा अचानक त्रास कसा झाला वो बातों बातों में उनका गुस्सा थोड़ा बढ़ गया बहस थोड़ी ज्यादा हो गई तो पर तू बहस केलीस का तुला माहिती आहे ना बाबांना बीपीचा त्रास देते तुला विचार नाही करता आला अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज रखना चाहिए था और ये सब बातें उनके लिए शॉकिंग ही है एवढा पण कळत नाही तुला मी सांगितलं तिने तू बोलायला गेला होतास ते आम सॉरी पर वहिनी हमने कोई बात नहीं की उनकी बात उनकी बॉस से हो रही थी किसी कार्यक्रम के विषय में उसी में बीपी शूट अप हो गया म्हणजे तू काय बोला नाहीस ना नहीं शिव मला वाटलं की तू बोललास आणि बाबांना त्रास झाला मतलब मैं घबरा गई थी और इसलिए तुमसे ऐसी बात की कोई बात नहीं बहनी अब उन्हें आराम करने दीजिए कोई सवाल मत पूछिए हम चलते हैं शिव थैंक्स तू खूब धावपळ केलीस थैंक यू कोई जरूरत हो तो बताइएगा हमें हम घर पर ही गौरी काहीतरी जळल्याचा वास येतोय अरे देवा वहिनी सॉरी तुझा आवाज आला म्हणून मी धावत आले ते काही हरकत नाही गौरी अगं टेन्शन मध्ये होतं असं कधीतरी आता शिवाज बाबांशी बोलणार होता तू त्या विचारत होतीस त्यात बाबांना चक्कर आली घाबरायला झालं ना होत अगं काळजी नको करूस गौरी मला काय वाटतंय म्हणजे शिव अजून बाबांशी बोलला नाहीये ना आता थोडे दिवस हा विषय नकोच अरे आइए आइए नमस्कार नमस्कार नमस्ते 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 भाभी जी नमस्ते नमस्ते अंकल हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो आइए ना आइए आइए अरे इसके क्या जरूरत है भाई साहब आइए आइए प्लीज आइए आओ आइए एक मिनट अरे भाई ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं बनारस जैसा तो है नहीं भाई ये तो हाँ आपका परिचय करा दें ये हमारे छोटे भाई हैं द्वारिका प्रसाद नमस्ते शिव के मजनू चाचा आपको तो पता होगा इनके बारे में इनकी लव मैरिज हुई थी हाँ हाँ उस वक्त हम बनारस में ही थे अच्छा बड़ा अफसोस हुआ सुनकर अब देखिए भाई ऐसा है कि अब रिश्ता जुड़ने वाला है इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी बात छुपी रहे जी जी ये हमारा बेटा शिव बेटा पैर छू अरे कोई जरूरत नहीं अरे नहीं नहीं खुश रहो गौरी बेल बजा वहिनी जाऊ दे ना त्याचे बाबूजी सुद्धा असते चल ना तू प्लीज आई अगं त्यांच्यासाठी सुद्धा घेतलंय मी सरबत वाजव बेल गौरी
कुछ ले ही नहीं रहे आप। एक मिनट शरबत लेकर आई हूँ। क्यों शरबत लाई हूँ तुम्हारे लिए? अरे बाप रे पावणे आले का मला माहितच नव्हतं। मैं और शरबत लेकर आती हूँ। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, यहाँ सारी व्यवस्था है। चतुर्वेदी जी ये हमारे पड़ोसी हैं। नो। शिव का खाना इनके घर से ही आता था। हाँ ऐसे भी शिव हमारे ना फैमिली मेंबर की तरह है। अंकल जी तुमसे नाते वही कहता मतलब रिश्तेदार है आपके? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन चतुर्वेदी जी हमारे बचपन के दोस्त हैं। ये इनकी पत्नी है। नमस्ते। और ये इनकी बेटी राधिका। नमस्ते। शिव की अम्मा ने इसे अपनी बहू के रूप में पसंद की। सुंदर है कौन है? ये वेणु की अम्मा ने भेजी फोटोज ये उनकी शादी के लिए, इसलिए उन्हें टेंशन है। तो हम शाम को रेडियो स्टेशन जाके मिलने चलेंगे। अरे पण तुला ते बाबूजी बरोबर जायचं ना मुलगी बघायला चतुर्वेदी जींची। और ये इनकी बेटी राधिका। नमस्ते। शिव की अम्मा ने इसे अपनी बहू के रूप में पसंद किया। शिवचा विचार करती है? तुझ्या मनात काय चाललंय हे मी चांगलं समजू शकते। तर शिवचं काय चाललंय याचा काहीच अंदाज येत नाहीये। गौरी एक विचारलं तर रागावणार नाहीस ना? म्हणजे बघ खरोखरच सांग मला, तू आणि शिव प्रेमात किती पुढे गेलात? तसं नाही म्हणजे उद्या तुला फसवून त्याने दुसऱ्या कोणत्या मुलीला पसंत केलं तर? नाही नाही करणार। मग तो मुलगी बघायला का तयार झाला? बहिणी ते मलाही कळत नाही, कदाचित त्याचे बाबूजी बोलले असतील म्हणून आणि त्यांच्या समोर नाईलाज झाला असेल का त्याचा? हो जसा ऑस्ट्रेलियाला जाताना नचीचा नाईलाज झाला। म्हणजे बघ ना मी स्वतःला किती त्रास करून घेतला, त्याच्याशी किती भांडले, पण शेवटी त्यांनी बाबांच्या इच्छेचाच विचार केला। आपलं ते आपलं असतं ग गौरी, त्या नात्यापुढे ना प्रेम बिन काहीच नसतं। हे बघ शिव तसा खूप चांगला मुलगा, त्याबद्दल माझं दुमत नाहीये, पण त्याच्या अम्मा बाबूजींनी हट्ट धरला तर, खोड बोलून त्याला पटवलं तर, जसा आपल्या बाबांना त्रास झालाय तसा त्याच्या बाबूजींना त्रास झाला तर शिव तुझ्याशी लग्न करायचा हट्ट धरू शकेल? दिशा ऐन मौके पर गौरी को लेकर राधिका के सामने आ गई जैसे सोने पे सुहागा। गौरी का तो मुंह देखने लायक था। आप उससे आग में घी डलवाते रहिए इसी तरह। इसका मतलब है कि निशा वहीनी अम्मा बाबूजी से मिली हुई है?